अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी जोई सिद्दीक एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से फाइवर के ऊपर ग्राफिक डिजाइनिंग की जो न्यू नीशेस हैं उनके ऊपर अपनी गिग्स बना के आप लोग किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी फाइवर के ऊपर कोई भी न्यू कैटेगरीज शो हो रही हो, इट मीन्स कि वो नीशेस जो हैं, वो टॉपिक्स जो हैं, वो ट्रेंडिंग होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तभी फाइवर जो है उनको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आता है, उनकी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहा होता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो अभी जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो नीशेस कौन सी हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोगों को इन नीशेस के ऊपर अपनी गिग्स बना के अर्निंग करने के लिए फोटोशॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग टैम्पलेट जो हैं उनको यूज़ करके आप ये अर्निंग कर सकते हैं इन नीशेस के ऊपर। अब बहुत सारे लोग मेरे अगेंस्ट भी बात करेंगे, बट प्लीज़ देखिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ फोटोशॉप के, बट फाइवर के ऊपर 70-80% इस टाइम पे जो लोग हैं ना वो इन्हीं टैम्पलेट्स को यूज़ करके दे आर अर्निंग, ठीक है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप लोग इन टैम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली ये टैम्पलेट्स जो हैं बिगनर्स के लिए बहुत बेस्ट हैं, तो चाहे बिगनर्स हों चाहे एक्सपर्ट्स हों, वो इनको यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ अगर आपके पास एक चीज़ की फैसिलिटी है तो आप फिर मतलब क्यों ना हम उस चीज़ को यूटिलाइज़ करें। अगर एक चीज़ नहीं बन रही है इन टैबलेट्स के ऊपर, कस्टमाइज काम नहीं हो रहा, तो फिर ऑफ कोर्स वी कैन यूज़ फोटोशॉप, बट अगर एक चीज़ अवेलेबल है तो हमें उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, राइट। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड आई विल शो यू द नीशेस एंड द टैबलेट्स एज वेल। ओके, फाइवर हमारे सामने ओपन है। यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये सारी न्यू नीशेज जो हैं वो हमें शो हो रही हैं, जिसमें वेबसाइट डिज़ाइन है, ऐप डिज़ाइन, यूएक्स डिज़ाइन, लैंडिंग पेज डिज़ाइन, ईमेल डिज़ाइन, आइकन डिज़ाइन, पैकेजिंग एंड लेबल डिज़ाइन, बिल्डिंग इंजीनियरिंग और NFT आर्ट। इसमें ये जो सारी नीशेज हैं इनके तो टैम्पलेट्स दे आर ऑलरेडी अवेलेबल। अगर बात करें NFT की तो येस, इट्स अ कस्टमाइज्ड वर्क। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बोला है कि जो बहुत ज़्यादा कस्टमाइज्ड वर्क होता है उसके लिए ऑफकोर्स वी कैन यूज़ फोटोशॉप, तो इसके लिए हम फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं और ऑफ कोर्स करेंगे, बट ये जो नीशेस हैं इनके लिए वी कैन यूज़ द टैम्पलेट्स। अब वो टैम्पलेट्स कौन सी है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है कैनवा। कैनवा में जो है तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्डिंग इंजीनियरिंग, जो कि ये अगर मैं यहाँ पे जाके आपको बताऊँ तो ये है बिल्डिंग इंजीनियरिंग। इस नीश की टैम्पलेट्स जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे हमें शो हो रही हैं एंड यू कैन सी दैट। अब इसके बाद सेकेंड था ईमेल डिज़ाइन। ये देखिए ईमेल डिज़ाइंस की कितनी ज़्यादा, कितनी 2391 टैम्पलेट्स हैं यहाँ पे। आप इनको यूज़ करके फाइवर के ऊपर जो है तो अपनी सर्विस दे सकते हैं। इसके बाद है वेब बैनर्स, वो भी देख लीजिए इनकी सारी टैम्पलेट्स, और ये जो होती हैं ये कस्टमाइज्ड होती हैं, आप इनको चेंजेस ऑफ कोर्स इनमें आप कर सकते हैं। उसके बाद है पैकेजिंग और लेबलिंग, लेबलिंग की भी है और ये पैकेजिंग की जो है टैम्पलेट्स है सारी, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और ये एज आई सेड कि ये सारी कस्टमाइज्ड बेस होती हैं। यहाँ पे अगर मैं किसी एक को भी ओपन करती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर इसमें से मैं ये वाली ओपन करती हूँ, तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन की हुई है। एलिमेंट्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी में एलिमेंट्स हैं जो कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी भी कुछ पिक्चर्स जो हैं ख़ुद से आप पिंटरेस्ट से भी लेके यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं और इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फ़ोटोज़ भी यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, टेक्स्ट भी आप इनका चेंज कर सकते हैं, स्टाइल्स, और स्टाइल्स में जो है वो कलर्स हैं, फॉन्ट है, आप ये भी चेंज कर सकते हैं। ये टोटल कस्टमाइज होती हैं और आप इनको क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो आप इनको यहाँ से आप बना सकते हो। साइज भी ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद होता है। तो इस तरह से आप इन नीशेस को जो कि यहाँ पे शो हो रही हैं, इन नीशेस को आप जो है तो इनके ऊपर गिग्स बना के और इन टैम्पलेट्स की हेल्प से आप जो है तो अर्निंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।